morning and happy Sunday morning to all. Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. Emil Sehgal sir. जो आज एक केस शेयर कर रहा हूँ वो एक बच्चे का केस है. 7 साल का बच्चा है जिसको उसके माँ बाप ने मेरे पास लेके आए थे. तो उनका कंप्लेंट था कि बच्चे को पेट में दर्द होता है और जैसा ही 2-3 दिन वाला खिलाया तो वैसा उसको मोशन के लिए जाना पड़ता है. तो बोला कितने साल से? तो बोला 6-7 महीने से है. फिर बोला कि अगर घर का खाना खिलाते हैं, माँ ने बोली कि घर का खाना खिलाते हैं तो उसको तकलीफ होती है, अगर बाहर का कुछ भी दो तो उसको तकलीफ नहीं होती है, और खाना भी उसको मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है, अगर मैं हाथ से खाना खिलाया तो ही वो खाएगा, नहीं तो बच्चा नहीं खाएगा, बाहर का ला के दो तो अपने आप खाएगा, और उसका वजन सिर्फ 15 किलो है. और बोले कि अगर बाहर का खाना उसको नहीं लिया, उसको जिद पूरी नहीं किए तो वो दिन भर खाना नहीं खाएगा, जब भी बाहर से ला के दो खाना तो ही खाएगा, नहीं तो खाएगा ही नहीं. और फिर बोलेगा नहीं तुम मेरे भाई को तो ला के देते हो, मेरे को क्यों नहीं ला के देते हो? तो यहाँ पे मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि वो स्कूल जाता है. बोला हाँ स्कूल तो जाता है, बरोबर पढ़ाई में भी ठीक है. मैं बोला कि ना के जाता है स्कूल में कि कैसा है? तो बोला नाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, कम से कम 2-3 दिन में अगर मैंने उसको नहलाया जबरदस्ती से तो फिर वो नहाएगा, नहीं तो अपने आप कभी नहाता नहीं है, उसको नहलाना पड़ता है. So this is the short case. Please try to analyze. Thank you. तो यहाँ पे जो पहला रूब्रिक था, मदर बोली कि उसको खाना खिलाना पड़ता है, मैं अपने हाथ से उसको खाना खिलाती हूँ तो वो खाना खाता है, नहीं तो नहीं खाएगा. और बच्चा जिद्दी भी है, बाहर से खाना लाके नहीं दिया जब तक वो खाएगा नहीं. तीसरा, मदर उसको अगर नहलाएगी तो नहाएगा बच्चा, नहीं तो नहीं नहाएगा. सो यहाँ पे रूबरी के स्पॉइल्ड चिल्ड्रन मतलब बिगड़ा हुआ बच्चा, ये बच्चे को माँ बाप ने बिगाड़ दिया है, इसकी वजह से 7 साल का जो है फिर भी उसका वेट है ओनली 50 kg. सेकेंड जो रूबरी है, बच्चा ज़्यादा जिद्दी है, जिद ज़्यादा करता है, बाहर का खाना ला के देगा तो ही खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा. तो यहाँ पे रूबरी आएगा ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन. फिर बोलता है कि आप भाई को देते हो, मेरे को नहीं देते हो. सो यहाँ पे थर्ड रूब्रिक है एनवी. और जो लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, मैंने पूछा कि वो स्कूल जाता है तो नहाकर जाता है, तो मदर ने बोली कि नहीं 2-3 दिन तक वो नहाता ही नहीं और अपने आप नहीं नहाएगा, मदर को उसको नहलाना पड़ता है जब भी वो नहाएगा. तो इधर रूब्रिक है बाथिंग एवर्जन टू बाथ मतलब नहाना वो पसंद ही नहीं करता. So the remedy comes to ammonium cup. Thank you very much.